नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारा राजस्थान में और मैं हूं आपके साथ काव्या। तो चलिए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं, लेकिन उससे पहले नजर डालते हैं बुलेटिन की कुछ अहम सुर्खियों पर। जयपुर एयरपोर्ट के यात्रियों के लिए खुशी की खबर, उड़ाने के लिए जुड़ेंगे दो नए शहर। हरमाणा थाना पुलिस के कोरोना योद्धाओं को दी गई कोविड वैक्सीन की डोज। बजट सलाहकार समिति की आज दूसरी बैठक, मुख्यमंत्री गहलोत ने ली। और अब खबरें विस्तार से। कोरोना का असर अब धीरे धीरे कम होने के साथ ही जयपुर इंटरनेशनल एयरपोर्ट में कई नए शहर आगामी दिनों में यात्रा के लिए जुटेंगे, जिसमें यात्रियों को आने जाने में परेशानी ना हो। जयपुर में अब तक 14 शहरों के लिए उड़ानें उपलब्ध हैं, अब दो नए शहर और जयपुर से जुड़ जाएंगे। स्पाइसजेट एयरलाइन अगले सप्ताह में कई नई सीधी उड़ानें शुरू करने जा रहे हैं, इसकी तैयारी पूरी कर ली गई है। प्रबंधन के मुताबिक धीरे धीरे अन्य एयरपोर्ट पर कुछ जगहों के लिए यात्री यात्रा करने में ज्यादा रुचि दिखा रहे हैं, इसलिए यहां से भी उड़ानें शुरू की जाएंगी। हरिद्वार में कुंभ स्नान की इच्छा रखने वाले श्रद्धालुओं के लिए 10 फरवरी से जयपुर से देहरादून के लिए सीधी उड़ान शुरू होगी। इसके साथ अमृतसर, सूरत और दिल्ली के लिए भी नई उड़ान शुरू होंगे। और खबर टॉक के उनियारा से, जहां वर्तमान में कलयुग की मां अपने बच्चों के लिए किस तरह बेरहम हो सकती है, इस बात का नजारा कल रात्रि 11:30 बजे देखने को मिला। उनियारा के पास स्थित पलाई टोक नाले के पास 2 दिन की नवजात शिशु को कोई बेरहमी से सर्दी में खुले आसमान के नीचे छोड़कर चला गया। प्राप्त जानकारी के अनुसार उनियारा पुलिस को रात्रि 11:30 बजे सूचना मिली कि टोल नाके के पास एक नवजात शिशु लावारिस अवस्था में पड़ा हुआ है। पुलिस तुरंत मौके पर पहुंची और वहां पर 2 दिन के नवजात शिशु को अपने कब्जे में लिया तथा उसे सादत हॉस्पिटल टोंक में भर्ती कराया गया, जहां पर वह डॉक्टरों की देखरेख में स्वस्थ है। पुलिस द्वारा मामले की छानबीन की जा रही है और आसपास उस शिशु के माता पिता की तलाश की जा रही है। वहीं जयपुर में कोरोना वैक्सीनेशन में अब तक स्वास्थ्य कर्मियों को टीका लगाया जा रहा है और अब पुलिस कर्मियों को कोरोना वैक्सीन का टीका लगाया जा रहा है। इसी दौरान शनिवार को हरमाणा क्षेत्र में जयपुर सीकर हाईवे स्थित है शहरी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र हरमाणा पुलिसकर्मी, ट्रैफिक पुलिसकर्मी, होमगार्ड के टीका लगाया गया। जानकारी के अनुसार अस्पताल के मेडिकल ऑफिसर प्रभारी रामसाया चौधरी ने बताया कि हरमाणा थाना दौलतपुरा चौकी ट्रैफिक पुलिस होमगार्ड के कोविड-19 का टीका लगाया गया। कोरोना काल में फ्रंटलाइन पर पुलिसकर्मी अपनी जान जोखिम में डालकर ड्यूटी दे रहे थे, जिनको कोविड-19 का टीका लगाया गया। वहीं हरमाणा थाना प्रभारी चेनाराम बेड़ा ने बताया कि हरमाणा थाने में तैनात और दौलतपुरा चौकी की तैनात सभी पुलिसकर्मियों को कोविड-19 का हरमाणा स्वास्थ्य केंद्र में बुलाकर डॉक्टरों ने टीका लगाया और टीका लगाने के बाद सभी स्वस्थ हैं। किसी भी तरह की टीका लगाने के बाद कोई परेशानी नहीं आई, जिसको लेकर सभी पुलिसकर्मियों के चेहरे पर खुशी है। और वहीं दौसा शहर में भारत की परमाणु सहेली डॉक्टर नीलम गोयल ने प्रेस वार्ता का आयोजन किया। राज्य के किसानों की कृषि व पशुधन के लिए आवश्यक बुनियादी सुविधाओं हेतु केंद्र व राज्य सरकार की योजना स्कीम व तय बजट के संदर्भ में किसानों को सही सही जानकारी मुहैया करवाने के उद्देश्य दिए। दौसा मुख्यालय पर होटल रावत पैलेस में डॉक्टर नीलम ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बताया कि परमाणु सहेली राजस्थान व गुजरात राज्य में ग्रामीण क्षेत्रों में आवश्यक ऊर्जा, जल व अन्य बुनियादी आवश्यकताओं की आपूर्ति व्यवस्था पर मुहिम बद्री कार्य कर रही है। परमाणु सहेली की इस मुहिम की तकनीकी व प्रबंधन सहायक एजेंसी अक्षय अवेयर है। परमाणु सहेली ने बताया कि हाल ही में केंद्र सरकार ने भारत की कुल 2,40,000 ग्राम पंचायती में फॉर्म सेक्टर के लिए, जिसने समवर्ती खेती व पॉलीहाउस व्यवस्थाएं आती हैं, के लिए 2,88,000 करोड़ रुपए का बजट पारित किया है। इसके साथ ही पूरे भारत में कृषि आधारित कार्यों और प्रोजेक्ट्स हेतु कम ब्याज दर पर 15,00,000 करोड़ रुपए का बैंक लोन प्रावधान पारित हुआ है। जीरो बजट प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने के लिए भी सरकार हर संभव सहायता देने के लिए तैयार है। किसान उड़ान योजना के तहत किसान अपने माल को अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में भी बेच सके, इस हेतु हवाई जहाज यातायात भी व्यवस्था करवा रही है। अंतर्राज्यीय बाजार हेतु एक रेलगाड़ी की भी व्यवस्था की जा रही है, ताकि किसान अपने कृषि उत्पादन को एक राज्य से दूसरे राज्य तक पहुंचा सके। परमाणु सहेली कहती है कि राज्य व केंद्र सरकार का ग्रामीण क्षेत्र के पूर्ण उत्थान एवं आत्मनिर्भरता हेतु एक ग्राम पंचायत पर तकरीबन 4 करोड़ रुपए सालाना का बजट संभव रहना है और ये बजट हमारे उद्योगपति, व्यापारी और अन्य समृद्धिजनों के द्वारा दिए गए टैक्स के आधार पर निश्चित किया जाता है।
वर्तमान स्थिति ये है कि ग्राम सरपंचों के पास इस तरह की कोई व्यवस्था नहीं है कि वह निष्पक्ष रूप से जागरूकता, सामुदायिक भागीदारी, शिक्षण प्रशिक्षण, प्रत्येक परिवार नीड असेसमेंट सर्वे, ग्राम पंचायत डेवलपमेंट रिपोर्ट्स और रिपोर्ट अनुसार कार्यों का क्रियान्वयन करवा पाए। एक निर्धारित समय में प्रति जिला औसतन 280 ग्राम पंचायतों में संबंधित तकरीबन 4,00,000 परिवारों का सर्वे करवाना हेतु जिला प्रशासन के पास मैन पावर की कमी है। ग्रामीण जनता तो ऐसी योजनाओं के प्रति बहुत ही कम जान पाती है। परमाणु सहेली का कहना है कि यही बेसिक चुनौतियां हैं जिनकी वजह से राज्य व केंद्र सरकार की कामगार योजनाओं एवं स्कीम्स का किसान लोग असल लाभ नहीं उठा पाते हैं और सरकार की इन योजनाओं के कार्य ग्रामीण जनता के समक्ष उजागर नहीं हो पाते हैं। और अब खबर बिराई से, जो राज्य बजट वित्त वर्ष 2021 में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत अलग अलग वर्गों से वार्ता कर बजट को अंतिम रूप देने में जुटे हुए हैं। आज 11 बजे मुख्यमंत्री सीएमआर से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बजट पूर्व किसानों, डायरी संघ दुग्ध उत्पादकों, पशुपालकों के पदाधिकारियों एवं जनजाति क्षेत्रों के प्रतिनिधियों से आज चर्चा कर चुके हैं, जिसमें बिराई के वैद्य खीवराज परियार मुख्यमंत्री से किसानों के लिए अपने सुझाव देंगे। परियार ने बताया कि किसानों की आय को बढ़ाने के लिए राज्य सरकार से मांग की है कि नील गाय, आवारा सुअर से फसल की सुरक्षा के लिए कंडीली तारबंदी जाली के लिए अनुदान बड़ा कर दिया जाए तथा बागवानी में पक्षियों से पौधों की सुरक्षा के लिए फैंसी जालियां या दूसरे अन्य उपकरणों पर अनुदान देकर किसानों को बढ़ावा देने, राज्य सरकार द्वारा एमएसपी पर की जाने वाली खरीद में बाजरा, गवार, जीरा उचित मूल्य तय कर खरीद की जाए। एमएसपी पर खरीदी जाने वाली फसल कुछ मात्रा में ही किसानों से खरीदी जाती है तथा बाकी फसल को उन्हें दूसरे जगहों पर बेचना पड़ता है। सरकार से पुरजोर मांग की है कि वह किसान की पूरी फसल खरीदे। जोधपुर क्षेत्र में पेयजल संकट से जूझते किसानों के लिए परियोजना बनाकर बिराई बांध में या अन्य जगहों पर पानी स्टोर करवाया जाए, खेत तलाई खेत मेड़बंदी के अनुदान किसानों का उपलब्ध करवाया जाए जिससे किसानों की आमदनी दोगुनी हो, बागवानी तथा बगीचों के लिए पेड़ों पर मिलने वाली सब्सिडी को बढ़ाया जाए, कृषि कनेक्शन शुल्क कम किया जाए तथा कृषि कनेक्शन हाथों हाथ उपलब्ध करवाया जाए, डिमांड नोटिस का भुगतान किस्तों में लिया जाए और जिसे गरीब से गरीब किसान भी कनेक्शन लेकर कृषि का कार्य कर सकता है। खबर जैसलमेर से, जहां कोरोना काल में कोरोना वॉरियर्स के रूप में चिकित्सकों के साथ पहली पंक्ति में खड़े रहकर पुलिस के अधिकारियों और जवानों ने अपनी सेवाएं दी और अभी भी दे रहे हैं। कोरोना वैक्सीनेशन के पहले चरण में जहां स्वास्थ्य कर्मियों का टीकाकरण किया गया, वहीं अब दूसरे चरण में पुलिस कर्मियों को कोरोना के टीके लगवाए जा रहे हैं। आज इसी कड़ी में सरहदी जिले जैसलमेर में 17 वैक्सीनेशन केंद्रों पर सुबह 10 बजे से पुलिस कर्मियों का टीकाकरण शुरू किया गया और जैसलमेर पुलिस कप्तान डॉक्टर अजय सिंह ने राजकीय जवाहर चिकित्सालय स्थित मॉडल वैक्सीनेशन सेंटर पर पहला टीका लगवाकर पुलिस कर्मियों को कोरोना टीका लगवाने के लिए प्रेरित किया। देखिए, आज 6 फरवरी को हमारा जितना भी पुलिस स्टाफ है, इवन जितना स्टाफ जो एमएचए के अंडर में काम करता है, उनके लिए आज वैक्सीनेशन का डे है। और हम सरकार को इस बात का धन्यवाद हमें ज्ञापित करना चाहिए कि हम पुलिस कर्मचारियों को वैक्सीनेशन का मौका मिला है। जब पूरे विश्व में इस तरह की महामारी फैली हुई है और इंडिया आज 17 देशों को एक्सपोर्ट कर चुका है कोविड वैक्सीन का दवाइयाँ, तो ऐसा जब वैक्सीनेशन की फील्ड में इंडिया ने इतना अच्छा डेवलपमेंट किया है, वैक्सीन तैयार की है और पूरे विश्व में इस बात को लेकर के जो विश्वास है, तभी तो हम 17 देशों को एक्सपोर्ट कर पाए। तो इंडिया में जिन लोगों को मौका लग रहा है उनको वैक्सीन लगवानी चाहिए। हम वैक्सीन लगवाएंगे, अपने आप को सेफ रखेंगे, अपने परिवारजनों को सेफ रखेंगे, तभी पूरा देश सेफ रह पाएगा। और मैं मेरे पुलिस कर्मचारियों को मोटिवेट हूँ, इसलिए सबसे पहले मैं आया हूँ लगवाने के लिए। और हमारा टोटल 15 सेंटर्स पे आज पूरे जिले में हमारे जितना भी पुलिस स्टाफ है उन सबके वैक्सीनेशन। और अब खबर मोद्रान से, जहाँ राजस्थान मरुधरा ग्रामीण बैंक में दिव्यांगनों व वरिष्ठ नागरिकों की सुविधाएं के लिए रैंप नहीं बना हुआ है, जिससे यहाँ आने वाले दिव्यांगनों व वरिष्ठ नागरिकों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। कस्बे में आसपास के कई गांवों से दिव्यांग व वरिष्ठ नागरिकों का आरएमजीबी बैंक में आना जाना रहता है। आसपास के गांवों के लिए मोदान में एक ही मुख्य बैंक है। वहीं सरकार द्वारा दिव्यांगनों व वरिष्ठ नागरिकों को किसी भी कार्यालय में आने जाने के दौरान किसी तरह की परेशानी का सामना नहीं करना पड़े, इसके लिए सभी कार्यालयों में रैंप की अनिवार्यता लागू की गई है। इसके तहत प्रत्येक सरकारी कार्यालय व बैंक रैंप की सुविधा अनिवार्य है, लेकिन कस्बे में स्थित बैंक में रैंप नहीं बना हुआ है। ऐसे में यहाँ आने जाने पर दिव्यांगनों व वरिष्ठ
नागरिकों को खासी परेशानी का सामना करना पड़ता है। बैंक में रैंप नहीं होने के कारण दिव्यांगों और वरिष्ठ नागरिकों को काफी परेशानी उठानी पड़ती है। रैंप नहीं होने से उन्हें कई सीढ़ियां चढ़कर बैंक में आना जाना पड़ता है। कई दिव्यांगों और वरिष्ठ नागरिकों को तो कोई साथ नहीं होने पर भी किसी अनजान का सहारा लेकर सीढ़ियां चढ़नी पड़ती है, जो उनकी सुरक्षा पर भी सवालिया निशान खड़ा करता है। मोदरा कस्बे में स्थित बैंक में दिव्यांगों व वरिष्ठ नागरिकों की सुविधा के लिए रैंप का अभाव बना हुआ है, जिससे उन्हें आने जाने में बेहद परेशानी उठानी पड़ती है। लेकिन इस ओर बैंक प्रशासन व प्रबंधकों द्वारा कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा है। आपको ज्ञात रहे कि सरकार के निर्देश नियम अनुसार सभी बैंकों और एटीएम में रैंप की अनिवार्यता लागू की गई है, ताकि दिव्यांगों और वरिष्ठ नागरिकों को बैंकिंग कार्य के लिए आने जाने में किसी तरह की परेशानी का सामना नहीं करना पड़े। देश में सभी बैंकों को इस संबंध में दिशा निर्देश भी जारी कर रखे हैं, इसके बावजूद यहाँ पर इसकी पालना का नितांत अभाव है, जिसका खामियाजा दिव्यांगों एवं वरिष्ठ नागरिकों को परेशानी झेल कर उठाना पड़ रहा है। वहीं आरएमजीबी बैंक ऑनलाइन बैंकिंग सुविधा होने के बावजूद अन्य ब्रांच का व अन्य गांवों के बैंक खाते भी नहीं खोले रहे हैं और बैलेंस भी नहीं बता रही है, जिससे भी आम ग्रामीण को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। इनका कहना है कि बैंक में कर्मचारियों द्वारा अभद्रता पूर्वक व्यवहार किया जाता है। मेरा बाकरा रोड में अकाउंट है, लेकिन मेरा यहाँ पर व्यवसाय होने के कारण वहाँ पर नहीं जाकर यहाँ पे मेरे अकाउंट का बैलेंस चेक करवाने गया, लेकिन बैंक कर्मचारियों द्वारा अभद्रता पूर्वक व्यवहार कर ऑनलाइन सुविधा उपलब्ध होने के बावजूद परेशानी किया जा रहा है। और खबर जोधपुर के बिलाड़ा से, जहां खेजड़ल गांव से शहीद लक्ष्मण के घर पर पाली सांसद पीपी चौधरी ने शहीद के घर श्रद्धांजलि दी। शहीद के माता पिता को हिम्मत बढ़ाई कि मुझे गर्व है कि भारत माता के इस महान सपूत ने आपके घर जन्म लिया और खेजड़ला सहित राजस्थान को गौरवान्वित किया है। संपूर्ण राष्ट्र को उनकी शहादत पर गर्व। मुझे दुख होता है कि आपका जवान बेटे को खोने से बड़ी हृदय विदाकर घटना और कुछ नहीं है। इस दुख की घड़ी में मेरा संपूर्ण देश की संवेदनाएं आपके परिवार के साथ है। देश को ऐसे वीर सपूत देने वाले परिवार को मेरा कोटिश प्रणाम करता हूं। शहीद लक्ष्मण के सर्वोच्च बलिदान को नमन करते हुए भावभीनी श्रद्धालु अर्पित की गई। गांव का नाम रोशन किया, आपका भी नाम रोशन किया और पीपी चौधरी ने शहीद की मूर्ति व स्मारक बनाने 5 लाख की घोषणा की और सुजान सागर तालाब से लेकर शहीद की धाणी तक पक्की सड़क का निर्माण व पानी की पाइपलाइन डलवाने की तुरंत घोषणा की गई और खेजड़ला में शहीद की मूर्ति लगवाने का चौराहे का भी निरीक्षण किया गया। इस मौके पर गांव के लोगों ने भी शहीद के छोटे भाई सुनील के लिए नौकरी की मांग की। बिलाड़ा के चेयरमैन रूपाराम, सिरवी पूर्व चेयरमैन मनोहर की, हाम्बड़ पिपाड़ के पूर्व चेयरमैन महेंद्र सिंह सहित कई जनप्रतिनिधि मौजूद थे। और फिलहाल हमारा राजस्थान में बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए डीपीके न्यूज।